नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। लड़ाई कोई भी हो, आत्मविश्वास योद्धा का सबसे मजबूत हथियार होता है। आत्मविश्वास के दम पर जीती गई कई लड़ाइयां इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज हैं। लेकिन जब यह आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है तो जीती हुई बाजी भी हार के मुहाने तक ले आती है। आज ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान सियासत में तपिश पैदा कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव ने जैसे ही इतना बड़ा दावा किया, भाजपा की तरफ से उन पर हमले शुरू हो गए। अखिलेश यादव की इस बात पर सियासत के विद्वानों में भी मतभेद है क्योंकि समाजवादी पार्टी किस आधार पर 80 सीट जीतने का दावा कर रही है यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। ना ही तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का प्रारूप साफ है और ना ही वो मुद्दे सामने आए हैं जिनके आधार पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में उतरे, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो कभी अखिलेश यादव खुद धर्म वाली राजनीति की तस्वीर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना समेत जिन मुद्दों पर आगे बढ़ रही है उसका अंजाम विधानसभा चुनाव में देखा जा चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव का 80 में से 80 सीट जीतने का दावा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई देता। वहीं भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव पर पहला हमला राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी वाराणसी लोकसभा सीट जीत जाएगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संदेश सीधा है, अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा से मुकाबला करना है जो किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। अखिलेश यादव के इस दावे को किसी ने सियासी लफ्ताजी बताया तो किसी ने उनकी तुलना मुंगेरी लाल से कर दी। कुल मिलाकर सवाल यह है कि जिस समाजवादी पार्टी के अभी 3 सांसद हैं वो 80 सीटों को जीतने का दावा किस आधार पर और किस रणनीति पर कर रही है। आज आपको सियासी हलचल की हर एक तस्वीर दिखाऊंगा। साथ ही बात मायावती की भी होगी जिन्हें उनके ही सांसद ने एकता वाला संदेश दिया। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली तब से वो कई भी बड़ा चुनाव वो नहीं जीत पाए। पहले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की साइकिल 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। 2019 के चुनाव में तो नौबत यहां तक आ गई थी कि सैफई परिवार के ही कई दिग्गज चुनावी मैदान में परास्त हो गए। इसके बाद रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में रही सही कसर भी भाजपा ने पूरी कर ली और ऐसे हालात में अखिलेश यादव का 80 सीट जीतने का दावा करना कई सवाल उठाता है। लोकसभा की लड़ाई का सबसे नया ऐलान, यूपी की 80 सीटों पर दावेदारी वाला घमासान। भाजपा के खिलाफ सपा का क्लीन स्वीप प्लान। 80 कैसे? अखिलेश के दावे पर भाजपा का वाराणसी चैलेंज। जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है पहले वह देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। माहौल बनाने की लड़ाई, अखिलेश ने नई रेस लगाई। मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सपने विधानसभा के चुनाव में भी देखे, नतीजा क्या हुआ? सपा की तैयारी पर मैनपुरी वाला पलटवार। ये लोगों ने जिस तरह अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी की है तो इनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इनके लिए कोई संभावना बची नहीं है। ये इस तरह का अनिश्चितता पैदा करने वाला माहौल निर्माण करने का प्रयास करेंगे। समाजवाद का लाल घेरा भाजपा ने कन्नौज पर घेरा। अखिलेश यादव का यह बयान 21वीं शताब्दी का लफाजी का सबसे बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। अखिलेश
अखिलेश के दावे पर तूफानी सियासत। 24 के चुनाव की चैलेंज स्टोरी। बात तो चुभेगी। पुरानी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, अच्छे नेता की पहचान है। अखिलेश यादव ने बीते उपचुनाव में जो गलती की उसे वो दोहराना नहीं चाहते। ना तो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के उपचुनाव में प्रचार किया था और ना ही रामपुर में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है। ऐसे में वो अभी से ही लोकसभा अभियान की शुरुआत कर चुके हैं ताकि एक साल के भीतर सभी सीटों पर मजबूती के साथ दावेदारी ठोकी जा सके और मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जा सके। पिछले एक हफ्ते में अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं। हालांकि उनके 80 सीट जीतने के दावे में भाजपा के नेताओं को बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता। कभी लखीमपुर तो कभी सीतापुर, कभी प्रशिक्षण का दरबार तो कभी भगवान के द्वार, कभी दफ्तर पर तो कभी किसी दूर दराज गांव में नेता कार्यकर्ता के घर पर। अखिलेश यादव की एक्टिविटी इन दिनों पूरी तरह बदली हुई है। हर दूसरे दिन वो बैठक करते दिखाई देते हैं। पहले सीतापुर और लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। अब 13 जून को सपा दफ्तर में उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी लोकसभा प्रभारियों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश 24 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा संदेश देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर ली है और अब बारी है लोकसभा प्रभारियों की। अखिलेश यादव ने मार्च में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से ही लोकसभा प्रभारियों की तैनाती का सिलसिला शुरू कर दिया था। 50 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में निवर्तमान प्रभारियों को ही तमाम अलग अलग तरह के टास्क सौंपे गए हैं। अखिलेश यादव ने 29 मई को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई थी और इसी बैठक के बाद से सपा ने तैयारी की स्पीड बढ़ा दी है। अखिलेश ने सीतापुर के प्रशिक्षण शिविर से ये कहकर सियासी उबाल पैदा कर दिया कि यूपी की 80 सीटों पर इस बार साइकिल दौड़ानी होगी। 80 कैसे? इससे पहले जब कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तब शिवपाल सिंह यादव ने 80 में से 50 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन अब अखिलेश यादव शिवपाल यादव की बात को अंतिम छोर तक लेकर पहुंच गए हैं। पर अखिलेश ने जैसे ही 80 सीटें जीतने का दावा किया, भाजपा की तरफ से उन्हें वाराणसी चैलेंज दे दिया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट किया, प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर जीत के दावे को तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी ने एक ही बात को दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी दूध और दही पे जीएसटी लेगी, और आज नौजवान परेशान है, किसान मजदूर परेशान है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के अगर 73 और 75 सीट ला सकती है तो समाजवादी पार्टी सच बोल के 80 की 80 सीट जीतने का काम करेगी। पिछले दो लोकसभा चुनाव में समाजवाद की साइकिल 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगाई, तब कहीं जाकर विधानसभा में उनकी पार्टी को 111 सीटें मिली, और अब जब उन्होंने लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया है तो भाजपा नेता इसे लफाजी से ज्यादा और कुछ नहीं मानते। अखिलेश यादव का यह बयान 21वीं शताब्दी का लफाजी का सबसे बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान, दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। भारतीय 80 सीटें क्या कहा है, 80 हराओ और भाजपा, 80 हराओ भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, खुद की कन्नौज बचाओ और इज्जत बचाओ, खुद की फिरोजाबाद बचाओ जो हारी हुई है, खुद की बदायूं बचाओ और अपनी नाक बचाओ। अब इससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। अब देखिए इससे बड़ा कॉमेडी क्या हो सकता है। हमको तो खुशी इस बात की है कि हमने भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन की रीत, सभी धर्मों को, पंथों को साथ लेकर के चलने की भावना आज ऐसा कर दिया कि उनको नैमिषारण्य बैठना पड़ा ना। दरअसल सियासत में सिर्फ चुनाव लड़ना ही काफी नहीं होता, माहौल बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि उनका गठबंधन 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाला है, लेकिन जब नतीजे आए
तो 400 सीटें तो दूर। सपा को करीब एक चौथाई सीट पर ही संतोष करना पड़ा। इसी आधार पर भाजपा अखिलेश यादव की तुलना मुंगेरी लाल से कर रही है। मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सपने विधानसभा के चुनाव में भी देखे थे। नतीजा क्या हुआ? वो तो 300 सीटें ला रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जनता में मोदी जी के प्रति जबरदस्त विश्वास बढ़ा है, और ठीक इसका उल्टा होगा जो श्री अखिलेश जी कह रहे हैं। ये लोगों ने जिस तरह अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी की है, तो इनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इनके लिए कोई संभावना बची नहीं है। ये इस तरह का अनिश्चितता पैदा करने वाला माहौल निर्माण करने का प्रयास करेंगे। ये रोना गाना शुरू करेंगे कि साहब EBM खराब हो गई, सरकार ने बेईमानी कर ली। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, EBM के अलावा भी नगरपालिका, नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नगर पालिका का, नगर पंचायतों के। BJP पिछले से 4 गुना ज्यादा सीटें जीती है। अखिलेश यादव की कोशिश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की है। माना जा रहा है कि सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर हरदोई में हो सकता है, और एक बार फिर अखिलेश इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस लड़ाई को अखिलेश यादव आज शुरू कर रहे हैं, उसे भाजपा 1 साल पहले ही शुरू कर चुकी है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसी दिन से भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा अपने काम में तेजी से जुटी भी है, जिसकी तस्वीर हर दिन सामने आती है। लेकिन अब भाजपा का पूरा फोकस उन 14 सीटों पर है जिसे पार्टी के आंतरिक सर्वे में रेड जोन में रखा गया है। इन्हीं सीटों पर कमल खिलाने के लिए JP नड्डा और अमित शाह भी बहुत जल्द यूपी दौरे पर आने वाले हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा और सपा के अपने अपने दावे हैं। जो लक्ष्य अखिलेश यादव ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान तय किया, उसे भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद से ही लेकर आगे बढ़ रही है। यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के दिन से ही भाजपा मिशन 80 के काम में जुट गई, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए नए अभियान भी चल रहे हैं, जिनमें से एक है महासंपर्क अभियान। भाजपा को लगता है कि अगर वो 80 में से 64 सीटें जीत सकती है और उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ को भी फतेह कर सकती है, तो 80 में से 80 सीटें जीतना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। हालांकि पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन 14 सीटों पर है जिसे रेड जोन में रखा गया है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही भाजपा ने महासंपर्क अभियान चलाया है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जमीन पर मजबूती बनाई जा रही है। पार्टी के सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, हर कोई इस अभियान का हिस्सा है। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर घर घर प्रचार चल रहा है। जैसे ही ये अभियान 30 जून को खत्म होगा, भाजपा संगठन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा है कि भाजपा के यूपी प्रभारी को बदला जा सकता है। संगठन का पुनर्गठन है, वो उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन लगभग 4-5 वर्षों से कोई संगठन में बदलाव हुआ नहीं है, तो कुछ लोग काम करने के मूड में नहीं हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी। हमारे पास पेशेवर लोग तो है नहीं, हमारे यहाँ एक विचारधारा से जुड़ के लोग समय देने वाले लोग हैं, तो अपने घर परिवार के बाद अगर समय बचता है तो हम लोग संगठन के लिए समय देते हैं। तो उन संगठन पर समय देने वाले लोगों की बातचीत हम आपस में कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से बातचीत करके कुछ आंशिक परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जिलों में आंशिक परिवर्तन होगा। जिन जिन सीटों पर भाजपा को खतरा महसूस हो रहा है, उन सीटों के लिए खास तैयारी हो रही है। जिन 14 सीटों की चर्चा पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा है, वहां JP नड्डा और अमित शाह जिम्मा संभालेंगे। 27 जून को श्रावस्ती में JP नड्डा की रैली होगी, तो 29 जून को बिजनौर में अमित शाह गरजेंगे। केंद्रीय पार्टी की ओर से पूरे संगठनात्मक विषय, केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने भी, हमने पूरी तैयारी लोकसभा के संयोजक, प्रभारी, संगठन का स्ट्रक्चर, विस्तारक, प्रवासी, सारे एक संगठन की एक रचना हम लोगों ने की है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी सहित अपने वरिष्ठ नेताओं से हमने आग्रह किया है समय देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राजनाथ जी का ये कार्यक्रम मिलेंगे, लेकिन प्राथमिकता में मुझे ऐसा लगता है कि वही 14 सीटें होंगी, उनमें से ही कार्यक्रम उनके होंगे। इसी साल दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद JP नड्डा ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत गाजीपुर सीट से की थी।
और अब एक बार फिर उनका फोकस हारी हुई सीट को जीत में बदलने पर है। रेड जोन की जो 14 सीटें हैं उनमें से 12 सीटें भाजपा ने 2014 के चुनाव में जीती थी। ऐसे में पार्टी के भीतर उत्साह की तो कोई कमी नहीं। हम लोगों ने लोकसभा प्रवास योजना पार्टी की केंद्रीय इकाई की तरफ से संचालित, ऐसी सीटें हैं देश भर में जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे। उत्तर प्रदेश की भी वो सीटें 14 चिन्हित हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने की हैं, और उनमें से 12 सीटें 2014 में हम जीते थे लेकिन नहीं जीत पाए बाद में। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है। पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भाजपा गठबंधन ने यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद सपा बसपा गठबंधन के चलते ये आंकड़ा 2019 में 73 से घटकर 64 पर आ गया और अब लक्ष्य सभी 80 सीटों को जीत लेने का है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव के मैदान में रणनीति का सटीक होना बेहद जरूरी है और रणनीति से कहीं ज्यादा जरूरी है कि पूरी संगठन रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एकजुटता से काम करे, लेकिन बहुजन कैंप की तस्वीर से ठीक उलट नजर आती है। बसपा अध्यक्ष मायावती पहले ही विपक्ष की एकता से दूर रहने का ऐलान कर चुकी हैं। मायावती की रणनीति एकला चलो की राह पर है, हार और जीत के बीच का फासला तय करने की है, लेकिन इसके उलट बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने विपक्षी एकता की वकालत की और यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है उनके इस बयान। चौबीस के चुनाव में भले ही अब करीब एक साल का वक्त बचा है, लेकिन मायावती का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बीते दिनों उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब मायावती के इसी फैसले पर पार्टी में दो मत हो गए हैं। अभी तक पार्टी के बड़े नेता दबी जुबान में ही मायावती के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ये बयानबाजी खुले तौर पर हो रही है। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने मायावती को अलर्ट किया और साफ कहा कि अगर 24 में विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो भाजपा फिर से जीत जाएगी। सामूहिक रूप से इस सत्ताधारी पार्टी की डिक्टेटोरियल रवैया है इस पार्टी का, सबको विरोध करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत जाति ख्याल है। और देर सवेर मैं अपनी बहन मायावती सुप्रीमो जो हैं उनके उस पर तो कोई वो नहीं करता, न तो मेरा अधिकार है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देर सवेर सबको साथ आना चाहिए और साथ आकर के मुकाबला करना चाहिए। सवाल ये है कि मायावती गठबंधन से क्यों बच रही हैं? क्या अकेले चुनावी मैदान में उतरना उनकी किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर कोई सियासी मजबूरी, और वो भी तब जबकि बसपा का जनाधार हाल के दिनों में तेजी से नीचे गिरा है। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2012 में झटका लगा, तब भी पार्टी को 26% वोट मिले। 2017 में बसपा को 22% और 2022 में 12% वोट मिले, यानी चुनाव दर चुनाव बसपा का वोट प्रतिशत घटता गया। अभी बसपा के पास सिर्फ एक विधायक बचा है, जबकि सपा के गठबंधन के चलते पार्टी ने 2019 में लोकसभा की 10 सीटें जीत ली थी। माना यह भी जा रहा है कि मायावती अभी उस स्थिति में है जिससे वो सीटों के लिए मोल भाव कर सकें। यही वजह है कि वो लगातार अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि इसका दूसरा सियासी पहलू सपा समझाती है। सपा का आरोप है कि बसपा भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है और मायावती का पूरा फोकस भाजपा को हराने की बजाय सपा को हराने पर होता है। अखिलेश ये बात कई बार सार्वजनिक मंच से भी कह चुके हैं। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। सियासत में कुछ भी मुमकिन है। जिस तरह मायावती ने अभी गठबंधन न करने का दावा किया है, वैसा ही दावा उन्होंने 2018 में भी किया था,
लेकिन 2019 में सबको चौंकाते हुए सपा के साथ गठबंधन कर लिया। अब बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने जो हवा चलाई है उससे सियासत में नई बेचैनी पैदा हो गई है। हमने कोई एजेंडा बीजेपी का हिडन एजेंडा नहीं है, हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है। हमने जनता के सामने, देश की प्रदेश की महान जनता के सामने अपना कमिटमेंट, अपना संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र रखा और उन सब विषयों के लिए हमने जनता से जनादेश मांगा। प्रदेश इस देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया है और जिन कामों पर जनादेश हमें दिया है वो 100% काम हम पूरे कर रहे हैं। ये बात सही है कि विपक्षी एकता की बात बिना मायावती को साथ जोड़े अधूरी है और मायावती खुद को इस विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि 23 जून को पटना में जो बैठक होनी है उसके लिए ना तो मायावती को न्योता मिला और ना ही उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी, जबकि वो लगातार लोकसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है। मायावती ने सभी मंडलों में मजबूत प्रत्याशियों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है। हर मंडल में 4-4 काबिल प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा। जिला और मंडल कमेटी मजबूत प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेगी और टिकट किसे दिया जाएगा इसका फैसला आखिर में मायावती करेंगी। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अब की बार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। पिछली बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार कोई गठबंधन नहीं होगा। मायावती ने कहा है कि सभी कोऑर्डिनेटर्स जिलों पर ध्यान दें, जिला कमेटियों से समन्वय करके बूथ और सेक्टर को मजबूत करने पर काम करें, जो प्रत्याशी हैं उनका काम देखें, उनका जमीनी स्तर पर जो लोगों से संपर्क है वो देखें। प्रत्याशियों के चयन के लिए बसपा सुप्रीमो ने कई मानक भी निर्धारित किए हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश करने को कहा है। इसके साथ ही पार्टी के कैडर वोट के अलावा दूसरे दलों में प्रभाव रखने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। मायावती के साफ निर्देश हैं कि ऐसे प्रत्याशी का नाम पैनल में शामिल किया जाए जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुद्दा निवेश का हो, रोजगार का हो या फिर कानून व्यवस्था का, हर एक मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक अंदाज में हमला कर रहा है, जिस पर अब सीएम योगी ने चुभने वाला पलटवार किया। प्रतापगढ़ और देवरिया में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में चुभने वाला पलटवार किया। हम लोगों ने उनके नाजायज कार्यों को रोकने के लिए उसके व्यक्तिगत हितों पर प्रहार किया होगा, यही व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकता है। मौका यूपी को हाई स्पीड सौगात देने का है, लेकिन मुद्दा कानून व्यवस्था का है और निशाने पर है कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे विरोधी दल। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वही उंगली उठाएगा जिसको या जिसके व्यक्तिगत हितों पर हम लोगों ने उनके नाजायज कार्यों को रोकने के लिए उसके व्यक्तिगत हितों पर प्रहार किया होगा। दरअसल विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, जिस पर सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में प्रहार किया। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय प्रदेश में 35,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, अगर सुरक्षा नहीं होती तो क्या ये 35,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमें मिल पाता। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मंच से सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है कि यूपी में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की नीति बिल्कुल क्लियर है और यूपी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार का साथ दिया, ये डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन की गति से आपके विकास कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया और प्रतापगढ़ के विकास की गति को तेज करने के लिए करोड़ों रुपयों की सौगात दी। प्रतापगढ़ में 2200 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जबकि देवरिया में 6215 करोड़ की 5 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में प्रतापगढ़ से अयोध्या के लिए 4-लेन हाईवे का निर्माण भी शामिल है। आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं, बात महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ से अयोध्या सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ने के लिए
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर यूपी में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 40 नए पुल बनाने की भी घोषणा की। माना जा रहा है कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई और परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। इसका संकेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी पहले ही दे चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभात उत्तराखंड की, जहां लव जिहाद का कथित मामला अब तूल पकड़ रहा है। पहले हिंदू संगठनों की ओर से 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया, जिसके तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से 18 जून को देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के बाद शासन और प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था पर दो टूक संदेश दिया, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू संगठनों की महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की। सड़कों पर लोगों की भीड़, नारेबाजी और बाजार में सन्नाटा। कथित तौर पर लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ रहा है। छब्बीस मई को नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही हिंदू संगठन लामबंद है और अब हिंदू संगठनों ने 15 जून को पुरोला में बड़ी पंचायत का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान ने पुरोला से देहरादून और देहरादून से हैदराबाद तक सियासत की चाल बढ़ा दी है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पंचायत पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है, 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। लव जिहाद के कथित मामले को लेकर सिर्फ उत्तरकाशी ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में सरगर्मी तेज है। हिंदू संगठनों की पंचायत के ऐलान के साथ ही मुस्लिम समाज ने भी पंचायत का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत का ऐलान किया है। मतलब लव जिहाद को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट SP को हमने डायरेक्शंस दी हुए हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है वो पीसफुल हो और कोई भी कानून को तोड़ने वाले हैं उन्हें खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अभी तक ऐसे कोई वायलेंस या ऐसे कोई बात सामने नहीं आई है और हमारी ड्यूटी है वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो भी कानून पालन करने वाले हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करना हमारा ड्यूटी है। लव जिहाद के कथित केस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त संदेश दिया है। धामी ने देवभूमि का माहौल बिगाड़ने के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया। मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी में लव जिहाद के कथित केस को लेकर हिंदू संगठन लगातार बैठकें कर रहे हैं। लव जिहाद के मामलों में कड़ी कार्रवाई को लेकर आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। दावा है कि लव जिहाद के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही है, जिस पर रोक लगनी ही चाहिए। खास बात यह है कि हिंदू संगठनों के साथ भाजपा नेता भी खड़े हैं। एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहाँ के उप जिला अधिकारी के माध्यम से दिया और ये हुआ कि व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी लोग, सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे। परंतु वहाँ का जो मुस्लिम व्यापारी है वो अपने दुकानें बंद करके अपने घरों में छुप गया। एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने के बाद उत्तरकाशी के कई कस्बों में बाजार कई दिनों से बंद है। पुरोला में कई दुकानों पर मुस्लिम विरोधी पोस्टर लगने के बाद कई कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी है, जबकि कई कारोबारी दुकान छोड़ कर जा चुके हैं। साफ है उत्तरकाशी में लव जिहाद को लेकर टकराव की चिंगारी सुलग रही है, जो शासन प्रशासन के लिए चुनौती का सबब है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो क्षेत्र में भेजा गया है। वैसे तो यूबी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन अक्टूबर में होना है, यानी अभी 3 महीने से भी ज्यादा वक्त बाकी है। लेकिन निवेश को लेकर अखिलेश यादव के एक और ट्वीट ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए निवेश प्रस्ताव देने वाले निवेशकों के लापता होने का आरोप लगा दिया। उनका यह ट्वीट भाजपा को चुभ गया और भाजपा के नेताओं ने उन पर हमला तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश में निवेश के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजनाओं पर अब काम और तेज हो गया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले थे उन्हें जमीन पर उतारने की कवायद भी शुरू हो गई है। योगी सरकार अक्टूबर में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करेगी। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों को अमल में लाए जाने की तैयारी की जा रही है। औद्योगिक विकास विभाग ने आयोजन का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने भी भूमि पूजन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन निवेश जमीन पर उतरेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट किया जो भाजपा नेताओं को बेहद चुभने वाला है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार जिन निवेशकों के भरोसे यूपी के निजी क्षेत्र में रोजगार देने का झूठा दावा कर रही है वो तो स्वयं लापता है। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो पहले संविदा वालों को ही समायोजन करके दिखाते, अब युवा भाजपा को बेरोजगार करेगा। देखो, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आतुर हैं, निवेश कर रहे हैं। जहाँ तक अखिलेश यादव जी का विषय है, अखिलेश यादव जी के विषय में डेवलपमेंट कोई मुद्दा था नहीं। जिस प्रकार से वहाँ अराजकता थी, अनिश्चितता का उत्तर प्रदेश में माहौल था, दंगाइयों का राज था, उसके निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उस समय कोई निवेश करने यहाँ आना, क्योंकि निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण बहुत आवश्यक है। निवेश को लेकर योगी सरकार का मिशन पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जब बात निवेश की आती है तो अखिलेश चुभने वाले सवाल उठाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसे भी समझना होगा। साल 2018 में योगी सरकार को अपनी पहली इन्वेस्टर समिट में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे। इन्हें अमली जामा पहनाने के लिए 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। सरकार का दावा है कि करीब 4,00,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमीन पर उतरे। सरकार का दावा एक तरफ और सियासी हमले दूसरी तरफ। इस बीच एक बार फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का माहौल तैयार है और सियासत इस बार भी धमाकेदार होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के कैंप में उत्साह भरने वाले रहे हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने यूपी के सियासी मंच पर लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। आम आदमी पार्टी यूपी में भी केजरीवाल के नारे के साथ बूथ स्तर पर टक्कर देने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी का फोकस सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं की घेरेबंदी करने पर। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब उत्तर प्रदेश। दिल्ली मॉडल के सहारे राजनीति चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल अब मिशन लोकसभा में जुट गए हैं। इस बार उनका सबसे ज्यादा फोकस उस उत्तर प्रदेश पर है जहां पिछले कई बड़े चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। हालांकि इस बार लक्ष्य नया है और फॉर्मूला भी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सरकारों के कामकाज को यूपी के घर घर तक पहुंचाने में जुटी है। जुलाई तक 10,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। इनके जरिए पार्टी के वीडियो, पोस्टर और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई तेज करने के लिए पार्टी ने नई सोशल मीडिया टीम की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर नारा दिया गया है, यूपी में भी केजरीवाल। पार्टी की पूरी कोशिश युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को साथ जोड़ने की है। अभी तो हमने कल एक टीम अनाउंस की है, 25 लोगों की स्टेट टीम। इसके बाद हम जिले की एक टीम अनाउंस करेंगे 2-3 दिन में। उसके बाद हम विधानसभा लेवल तक जाएंगे। हर जिले में हम 10,000 ग्रुप बनाएंगे और इसमें लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। हम खुद ग्रुप बनाने पे आएंगे तो नहीं बना सकते, लेकिन जब पब्लिक इन्वॉल्व होगी तो हम वो ग्रुप बना पाएंगे। तो जैसे मैं विपिन पाठक हो गया, मैं किसी को बोलूँगा भैया आपको एक ग्रुप बना के हम दे रहे हैं, इसमें लोगों को ऐड करना। वहाँ हम किसी सरकार की बुराई नहीं बतलाएंगे। पार्टी की तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है उसमें समय समय पर पार्टी के अभियान और कार्यक्रमों के साथ ही पार्टी के पोस्टर और प्रचार सामग्री भी पोस्ट किए जाएंगे। वहाँ हमने दिल्ली में जो काम किए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे, उन्हीं चीज़ों को वहाँ भेजने का काम करेंगे जो जनता को पसंद आएगी। हाँ, यूपी में भी केजरीवाल हर ग्रुप का नाम होगा और यही हमारा थीम होगा, पूरे चुनाव का यही थीम होगा, यूपी में भी केजरीवाल। अब देखिए यहाँ पे हमने ग्राफिक्स बनवा लिए हैं, ग्राफिक्स बनवा के, वीडियो बनवा के जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं अपने चेयरमैन को दिखा रहे हैं लोगों को। यूपी में आम आदमी पार्टी का जो भी अभियान चलेगा उसमें सांसद संजय सिंह की अहम भूमिका होगी और
सोशल मीडिया की नई टीम संजय सिंह के मुहर के बाद ही तैयार की गई है। पर सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी की ये मेहनत इस बार यूपी में रंग लाएगी? क्योंकि 2012 के बाद से यूपी में जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, हर बार केजरीवाल ने हाथ आजमाया, लेकिन कभी भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी दरकार थी। ये बात जरूर है कि पिछले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हुए। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इनमें 30 नगर पालिका परिषद सदस्य और 61 नगर पंचायत सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष की 3 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 6 पदों पर भी जीत दर्ज की। ये पहली बार था जब आम आदमी पार्टी को यूपी में ऐसे नतीजे हासिल हुए। केजरीवाल इस समय दुनिया के सबसे जो भ्रष्टतम, अगर कोई चुनाव जीत के आया हुआ व्यक्ति बना होगा, उसमें टॉप पे पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। जो अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव को जेल में डालना चाहते थे, शरद पवार को जेल में डालना चाहते थे, शीला दीक्षित जी को जेल में डालना चाहते थे, लालू यादव को जेल में डालना चाहते थे, आज उन्हीं के चरणों में जा कर के कह रहा है, अरे मुझे भिक्षा दे दो, मेरे भ्रष्टाचार को बचा लो। सियासत में नजरें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और लगाया जाता है। यूपी में केजरीवाल की सक्रियता ये भी बताती है कि वो महागठबंधन में मजबूती से शामिल होकर यूपी के कुछ सीटों पर दावेदारी थोपना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने अध्यादेश के मुद्दे पर अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी और समर्थन मांगा था। अब 23 जून को पटना में जो बैठक होने वाली है, वहां से तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी कि केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ। और अब बात इरफान सोलंकी की, जिनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर कानूनी तलवार लटक रही है। दरअसल बीते साल कानपुर में हिंसा भड़की थी। इस मामले में जिस हाजी वसी को पुलिस ने आरोपी बनाया है, उसकी कंपनी के साथ नसीम सोलंकी के संबंध सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में इरफान सोलंकी ने पहले ही सफाई दे दी थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो इरफान की पत्नी की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार पर नया खतरा मंडरा रहा है। क्राइम ब्रांच के निशाने पर अब इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी हैं। दरअसल कानपुर पुलिस पिछले साल हुई नई सड़क हिंसा मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बिल्डर हाजी वसी आरोपी है और जांच इस बात की करनी है कि हाजी वसी की कंपनी के साथ इरफान सोलंकी की पत्नी का क्या संबंध है। सूत्र बता रहे हैं कि नसीम सोलंकी हाजी वसी की कंपनी में निदेशक थीं। हालांकि सफाई ये है कि 2018 में ही नसीम ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। दस्तावेज कहते हैं कि हिंसा के बाद इस्तीफा प्रक्रिया में आया। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में FIR भी दर्ज हो सकती है। दरअसल 2018 में ये कहा जा सकता है कि नई सड़क हिंसा हुई 3 जून को 2022 में, उसमें बिल्डर हाजी वसी का नाम आया था सामने। इसके बाद कुछ परतें खुली और सामने ये भी आया कि हाजी वसी से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के कारोबारी रिश्ते रहे हैं। हाजी वसी की एक कंपनी में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी डायरेक्टर के रूप में काम करती रही हैं। लेकिन उसी वक्त जब हिंसा का ये मामला चल रहा था, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया था और पल्ला झाड़ लिया था और ये कहा था कि साल 2018 में ही नसीम सोलंकी उस कंपनी की डायरेक्टरशिप से हट गई थी। इरफान सोलंकी पर आगजनी, कब्जा और फर्जी आधार कार्ड के मामले में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते वो पुलिस की रडार पर हैं। कई महीनों से जेल में बंद हैं, लेकिन अब जब उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसने की बारी आई है तो परेशानी का दायरा बढ़ चुका है। जिस हाजी वसी को लेकर ये नया विवाद खड़ा हुआ है, उसे हिंसा के लिए फंडिंग करने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। कानपुर पुलिस ने इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती हैं, तो विधिक परामर्श लेकर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी और जैसा भी होगा फिर आपको अवगत कराया जाएगा। हाजी वसी की जिस कंपनी को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, उसका संबंध इरफान सोलंकी से बहुत पुराना है, क्योंकि सिर्फ इरफान की पत्नी ही नहीं बल्कि इरफान के चाचा भी इसी कंपनी से जुड़े थे। और जब इस कंपनी के तार हिंसा की फंडिंग के साथ जुड़े तो इरफान सोलंकी ने खुद एक वीडियो जारी कर सफाई दी थी। हालांकि सच क्या है ये पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। कि हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के
डायरेक्टर्स के विषय में कतिपय गलत सूचनाएं आरओसी को दी गई और उसमें जो DR-12 और अदर फॉर्म्स हैं वो भी गलत तरीके से भरे गए, ऐसा समाचार पत्र में पढ़ने को मिला। धर्मांतरण गेम का मास्टरमाइंड शाहनवाज बद्दो पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बद्दो को यूपी लाया जा रहा है। कोर्ट ने 15 जून तक यूपी पुलिस को बद्दो की कस्टडी सौंपी है। अब बद्दो से अगले 3 दिन में यूपी पुलिस ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण साजिश और पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण की साजिश के पीछे कितने चेहरे हैं, उन नकाबपोश चेहरों से पर्दा उठने वाला है। गेम के जरिए धर्मांतरण की साजिश का मास्टरमाइंड शाहनवाज बद्दो गिरफ्तार हो चुका है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस बद्दो को यूपी ला रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बद्दो से पूछताछ में साजिश में शामिल कई और चेहरों पर से पर्दा हट सकता है। गाजियाबाद पुलिस के वांछित अभियुक्त बद्दो और शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु गाजियाबाद पुलिस ने थाने में एक टीम भेजी थी। इनको थाने पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया एवं ट्रांजिट रिमांड हेतु लोकल कोर्ट में पेश करा गया था। इनकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई है एवं इनके आने के बाद इनसे पूछताछ करके आगे की आवश्यकता। बताया जा रहा है कि शाहनवाज बद्दो पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। 31 मई को केस दर्ज होने के बाद बद्दो फरार हो गया था। शाहनवाज इतना शातिर है कि वो इस दौरान इंटरनेट से ही कॉल कर रहा था। कॉल के बाद वो अपना मोबाइल बंद कर ले रहा था। इस बीच पुलिस से बचकर शाहनवाज थाने पहुंच गया। थाने में वो अलीबाग में एक लॉज में छिपा था। शाहनवाज ने अपना नाम और पहचान भी बदल ली थी। पुलिस से बचने के लिए वो सिर्फ कैश पेमेंट ही कर रहा था। पुलिस ने बद्दो के अलावा उसके 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने बद्दो को फरार होने और मोबाइल से मुहैया कराने में मदद की थी। CCTV फुटेज में बद्दो के साथ दोनों को देखा जा सकता है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बद्दो फ्लाइट से दुबई जाने की फिराक में था। पुलिस को ग्रुप चैट से ये जानकारी मिली थी। ग्रुप चैट में लिखा गया था कि बच्चों को वो फ्री में हवाई जहाज से दुबई ले जाएगा। इस साजिश के खुलासे के बाद पुलिस एक्टिव हो गई थी। पुलिस ने खुलासा किया था कि धर्मांतरण के बदले शाहनवाज बद्दो विदेश यात्रा का लालच दे रहा था। पुलिस के गिरफ्त में आया शाहनवाज बद्दो को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मामले में वेबसाइट का लिंक भेजकर मोबाइल में शानदार गेम का ऑफर दिया जा रहा था। इस केस में पाकिस्तान के 2 यूट्यूब चैनलों की भी पहचान की गई है। बद्दो की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण साजिश के कई मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद के बाद अब प्रयागराज में गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रयागराज में 17 साल के नाबालिग लड़के को साजिश का शिकार बनाया गया। बताया जा रहा है कि लड़के ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए जनेऊ तोड़ कर फेंक दिया था और नमाज पढ़ने लगा था। जानकारी के मुताबिक 17 साल का एक लड़का शहर के झलवा इलाके में रहता था। बेहद गरीब परिवार का ये लड़का ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। कुछ दिनों पहले ही उसने एक मोबाइल फोन लिया था, ऑनलाइन गेम खेलता था। ऑनलाइन गेम खेलते हुए पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदलने लगा था। कुछ दिनों पहले ही उसने अपना जनेऊ तोड़कर फेंक दिया था। घर पर ही वो नमाज पढ़ने लगा था, दरगाह पर जाने लगा था। उसने अपने ई रिक्शा पर हरे रंग का झंडा लगा लिया था, कव्वाली सुनता था। जाहिर है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण की साजिश के तार कई जिलों और राज्यों तक फैले हैं, जिसे किस तरह से अंजाम दिया गया इस पर से पर्दा हटना अभी बाकी है। ABP गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ बातों चुभेगी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।